हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एग्जाम टारगेट्स में। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा सम्मान से नवाजा गया है? आपको बताना है किसे नवाजा गया है, को कौन से देश ने नवाजा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहरीन। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत ने 26 अगस्त 2019 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई है? आपको बताना है मदर टेरेसा की जो जयंती मनाई गई है कौन सी जयंती थी वो? वो आपकी 109वीं जयंती थी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में विश्व युवा तिरंदाजी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है अभी हाल ही में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोमालिका बारी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय को हाल ही में यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो ये यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी सिंधु। नेक्स्ट है, हाल ही में 25 अगस्त 2019 को पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, कौन सी पुस्तक का लोकार्पण किया गया है आपको बताना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द डायरी ऑफ मनु गांधी। इसका लोकार्पण 25 अगस्त 2019 को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अरुण जेटली का निधन हुआ है, वह थे कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व वित्त मंत्री थे आपके। नेक्स्ट है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है? कौन सी कंपनी है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस भारत में खोला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एफएटीएफ ग्रुप ने हाल ही में किस एशियाई देश को ब्लैक लिस्ट किया है? तो किसे ब्लैक लिस्ट किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार भल्ला, इन्हें जो है गृह सचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, किस महिला हॉकी टीम ने हाल ही में ओलंपिक टेस्ट इवेंट का खिताब जीता है? ओलंपिक टेस्ट इवेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। इसका खिताब जो है भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन हाल ही में बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर बना है? बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर बना है, तो कौन बना है टाइटल स्पॉन्सर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेटीएम। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता बने हैं, कौन है वो? तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, डेविड जॉनसन। डेविड जॉनसन सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेता बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अगले कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव गौबा को नया कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी सेवा और पीएसयू में महिला ड्राइवरों की नियुक्ति की घोषणा की है? जो महिला ड्राइवर होंगे उन्हें नियुक्त किया जाएगा पीएसयू में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट है, किस टीम ने हाल ही में हॉकी ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट जीता है? किस टीम ने हाल ही में हॉकी ओलंपिक टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। ये भारत ने जीता है।
नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति बाबूलाल गौर का निधन हुआ है, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बाबूलाल गौर जो है कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे बड़ा SO2 उत्सर्जनकर्ता देश बना है? SO2 का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा कौन से देश में होता है प्रेजेंट टाइम में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। भारत इसका उत्सर्जन करते में दुनिया का सबसे बड़ा देश SO2 के मामले में बन गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मियों हेतु सेवानिवृत्ति आयु साल तय कर दी है। कितने साल तय कर दिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 साल। नेक्स्ट ये है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मोहम्मद सहूर खयाम हाशमी का निधन हुआ है, वह थे? मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी का जो निधन हुआ है ये कौन थे? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ये संगीतकार थे। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस देश में रुपए कार्ड लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका राइट आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा हमारा, तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है भूटान। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।